Very good morning, students. Today we are here with another topic from chapter 5, legislature. Student, previous videos में मैं आपको बता चुकी हूँ हमारी जो government है उसके 3 organs हैं, legislature, executive और judiciary. तीनों को हम step by step study कर रहे हैं. Executive हम complete कर चुके हैं जो हमारी real government है. अब हम legislature study कर रहे हैं कि जो government work करती है उसका real में platform कहाँ है, हमारी legislature, और उसके बाद हम judiciary study करेंगे. प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें फंक्शन स्टडी किए हैं हमारी पार्लियामेंट के. लेजिस्लेचर पार्लियामेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक ही है, तो उसके फंक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं. रियल में देखा जाए जो पार्लियामेंट के फंक्शन हैं वो हमारे इनके 2 हाउसेज के फंक्शंस होते हैं. 2 हाउसेज कौन से? फर्स्ट इज़ लोकसभा एंड सेकेंड इज़ राज्यसभा. राज्यसभा इज़ अपर हाउस एंड लोकसभा इज़ लोअर हाउस. तो स्टूडेंट्स, हम जो आपका टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ राज्यसभा. हम राज्यसभा की पावर्स को स्टडी करेंगे, लेकिन हम एक कंपैरेटिवली दोनों की पावर्स को स्टडी करेंगे ताकि हमें रियल में पता चले कि इनमें से कौन ज़्यादा पावरफुल है. क्या लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है या राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल है? तो स्टडी करते हैं. वी डिस्कस्ड अबाउट द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट इन जनरल. हमने प्रीवियस वीडियो में मेनली जो फंक्शंस होते हैं पार्लियामेंट के वो स्टडी किए हैं. However, in a bicameral legislature, मतलब एक bicameral जो legislature होती है, bicameral legislature मैं आपको बता चुकी हूँ जहाँ पे कि 2 houses होते हैं. Government में 2 houses होते हैं, parliament में 2 houses होते हैं. तो there is some difference between the powers of the 2 houses. तो यहाँ पर जो 2 houses होते हैं उनकी powers में भी थोड़ा सा difference दिखाई देता है. Look at the chart showing the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha. तो हम देखेंगे, comparison करेंगे दोनों में कि Lok Sabha और Rajya Sabha में से कौन ज़्यादा powerful है. तो सबसे पहला फंक्शन हम देखते हैं. सबसे पहला फंक्शन है मेक लॉज ऑन मैटर्स इंक्लूडिंग इन यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. स्टूडेंट, जैसा कि 10th क्लास तक आप स्टडी किए हो कि जो हमारे यहाँ पर कानून बनते हैं वो मेनली जो 3 लिस्ट होती हैं उन पे बनते हैं. फर्स्ट हमारी कौन सी होती है? यूनियन लिस्ट. सेकेंड होती है स्टेट लिस्ट, और थर्ड होती है कॉन्करेंट लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट क्या होती है? जिसमें वो मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर जो कानून सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बना सकती है. स्टेट जो होता है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर कानून सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है. और कॉन्करेंट लिस्ट वो होता है जिसमें जो कानून बनता है उसमें दोनों का पार्टिसिपेशन होता है. तो देखिए, लोकसभा की पावर क्या है कि वो जो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के जो मैटर्स होते हैं उनके ऊपर कानून बनाती है. कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल्स. और जो मनी बिल और नॉन मनी बिल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि हमें लोकसभा थोड़ी ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है कि मनी बिल जो है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है? लोकसभा में. अब राज्यसभा की पावर को कंपैरेटिवली देखते हैं. कंसिडर एंड अप्रूव्स नॉन मनी बिल्स, मतलब ये सिर्फ किनको कंसिडर कर सकती है या किनको अप्रूवल कर सकती है? सिर्फ नॉन मनी बिल्स को. इट मींस क्या कि मनी बिल के ऊपर किसका रोल है ज़्यादा, किसका मतलब ज़्यादा पावर दिखाई देती है? लोकसभा की. तो पूरे देश का जो बजट होता है उस पर मेनली किसकी पावर होती है? लोकसभा की. आपने ध्यान रखना है इस चीज़ को. राज्यसभा में वो बिल जाएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है. देखिए, हमारे यहाँ पर हम, क्योंकि नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है कि किस तरीके से जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है और किस तरीके से वो कानून बनता है. तो जो इंट्रोड्यूस होता है बिल, बाकी जो अदर बिल होते हैं, नॉन मनी बिल्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बिल की फॉर्म में जो इंट्रोड्यूस होते हैं, तो जो नॉन मनी बिल होता है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. ठीक है, वो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में भी. लेकिन जो मनी बिल होता है उसको लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद सजेशन या रिकमेंडेशन के लिए उसको कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में. अब स्टूडेंट, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि राज्यसभा जो होती है वो मनी बिल को सजेशन के लिए सिर्फ दूसरे तरफ जाना होता है, क्योंकि राज्यसभा में अप्रूवल होने के बाद वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने के बाद वो कानून बन जाता है. ये एक प्रोसेस होता है हमारे देश में कि पहले लोकसभा में पास आउट होता है कोई भी बिल, फिर राज्यसभा में पास आउट होता है, और उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, और बाद में वो बिल कानून बन जाता है हमारे यहाँ पर. तो मनी बिल पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में जाता है सजेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, कि राज्यसभा के मेंबर्स उसमें अपनी रिकमेंडेशन दें, अपने सजेशन दें, डिबेट होती हैं. लेकिन राज्यसभा मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ 14 डेज तक रोक सकती है. 14
14 डेज से ज़्यादा वो उस बिल को नहीं रोक सकती, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कानून बन जाता है, प्रेसिडेंट के पास चला जाता है और वो कानून बन जाता है। तो यहाँ पर पावरफुल कौन दिखाई देता है ज़्यादा? लोकसभा। सेकंड देखिए इसमें वर्क, अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, जो भी टैक्स वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रपोजल वगैरह आते हैं, बजट्स हो गया या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, वो सभी कहाँ पर होती हैं? लोकसभा में। राज्यसभा में सिर्फ क्या होता है? ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो संवैधानिक अमेंडमेंट्स होते हैं सिर्फ वो अप्रूव्स होते हैं। बाकी जो मेन चीज़ वही आ गई, जो मनी से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो कहाँ होती है? हमारी लोकसभा में। इसका रीज़न है स्टूडेंट, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है देश की, वो लोकसभा में से ही निकल के आती है। जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो कहाँ से निकल कर आती है? लोकसभा में से। नेक्स्ट थर्ड देखिए, कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चंस। अब जो थर्ड फंक्शन क्या है इसका, कि एग्जीक्यूटिव क्या होती है? हमारी गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट पे कंट्रोल करती है लोकसभा बाय आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछ के। क्योंकि गवर्नमेंट में तो मतलब जो मेंबर्स होते हैं, जो हमारी कैबिनेट होती है, जितने भी जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड। सपोज़ कीजिए कोई कानून लेके आए हैं देश में, कोई कानून बना रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली हम देखें तो हमारे देश में बहुत सारे कानून बने हैं, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो सबसे इसमें एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारी गवर्नमेंट। तो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रेजोल्यूशन आता है मतलब प्रस्ताव पास होते हैं, एंड मोशन, और मोशन मतलब स्थगित कर सकते हैं वो, मतलब वो ये कह सकते हैं कि हमें जो मीटिंग है, जो मीटिंग चल रही है उसको स्थगित करना है, एंड थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब वो अपना कोई व्यूज़ उसमें नहीं देंगे, और वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, मतलब अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं इसको, कि जो मतलब वो सेटिस्फाई नहीं है, कोई भी बिल आया उसे सेटिस्फाई नहीं है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करके वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को। जो मेंबर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं, जो कैबिनेट होती है हमारी, उनसे वो जो हमारी लोकसभा होती है उसके जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो सब कलेक्टिवली उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशंस ला सकते हैं, मोशंस ला सकते हैं, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है अविश्वास प्रस्ताव। इसी के साथ राज्यसभा का देखते हैं हम, तो राज्यसभा भी सेम चीज़ करती है, इन चीज़ों में राज्यसभा का भी पार्टिसिपेशन होता है, राज्यसभा में भी सेम प्रोसीजर हो सकता है, इसके मेंबर्स भी एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल लगते हैं, आस्किंग क्वेश्चन, इंट्रोड्यूसिंग मोशन एंड रेजोल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा क्या करती है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आती है, चेंज कर सकते हैं। सेम चीज में राज्यसभा का भी रोल होता है। इसके अलावा राज्यसभा और क्या करती है? पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेशन, ये राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी इनका रोल होता है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट, इट कैन अलोन इनिशिएट द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये सारे काम सेम लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इनमें रोल होता है। नेक्स्ट है, अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशंस ऑफ एमरजेंसी। स्टूडेंट, अगर देश में कभी इमरजेंसी लेकर आनी हो, जैसे हमारे यहाँ पर 1975 में एक बार इमरजेंसी का टाइम पीरियड आया था, तो उसमें जो रोल होता है वो किसका होता है? वो लोकसभा का होता है। क्योंकि गवर्नमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट कहाँ से निकल कर आती है? लोकसभा में से निकल कर आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो लोकसभा का ही होता है, इसमें राज्यसभा का इतना रोल नहीं होता। नेक्स्ट है, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स, ये सेम वर्क हैं दोनों के। तो स्टूडेंट, यही काम हमने जब हमने पार्लियामेंट को स्टडी किया था, यही वर्क हमने, यही फंक्शंस उसके स्टडी किए थे। नेक्स्ट देखिए, establishes committees and commission and consider their reports. Student, committees, commissions क्या होते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारे planning जो commissions हैं वो बनाए जाते हैं, कि हमारे देश के लिए plannings की जाती है, जितनी भी plannings की जाती हैं देश में उसके लिए एक special committee prepare की जाती है, जिसमें कि बहुत ही well qualified जो officers होते हैं उनको appoint किया जाता है। तो ये जो committees बनाना, जैसे कि एक financial department है तो एक financial committee prepare की जाती है, जैसे कि किसी ने बजट बनाना है तो बजट कौन बनाता है? ये कमेटीज़ होती हैं जो बजट प्रिपेयर करती हैं, जिसमें कि जो वेल एजुकेटेड, मैंने आपको बताया, ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनको अपॉइंट करना, प्लस उनको जो उनके काम होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सारा काम लोकसभा के का होता है। तो वो ये सभी काम करती है।
can give the union parliament power to make laws on matters including in the state list. Student, यहाँ पर जो राज्यसभा की थोड़ा important role हमें दिखाई देता है कि जो state list है हमारी, जिसपे कि स्टेट्स के लिए, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वो मेनली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है. स्टेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करती है कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट कौन करता है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं. ध्यान रखना स्टूडेंट, राज्यसभा का जब इलेक्शन होता है, ये ज़्यादा डीपली मैं आपको नहीं बताऊँगी, इसको इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ. राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन डायरेक्टली इलेक्शन के थ्रू होता है. जैसे कि हम वोट डालकर लोकसभा के मेंबर्स को चुनते हैं, जिनको हम MPs भी कहते हैं. राज्यसभा के मेंबर्स जो होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा. जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इनके मेंबर्स राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. अब ये कैसे होता है, जैसे पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग होता है. तो जैसे कि हरियाणा में से कितने मेंबर्स राज्यसभा में जाएंगे, हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ये इलेक्ट करते हैं. तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जितनी वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर जो पार्टिसिपेशन करते हैं अपना. तो स्टूडेंट हम मेनली क्या कह सकते हैं कि जो राज्यसभा है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट्स को. तो स्टेट्स के लिए कोई भी कानून जब बनता है तो वो स्टेट लिस्ट से, मतलब उसमें मैटर किसका होता है, स्टेट्स का होता है. तो यहाँ पर पावर जो है वो राज्यसभा को दी जाती है. इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती. ये नहीं है कि यूनियन जो पार्लियामेंट, यानी जो हमारी पार्लियामेंट है, वो उसको राइट दे सकती है, राज्यसभा के मेंबर्स उसको राइट दे सकते हैं, लेकिन मेनली हम देखें तो ये पावर हमारी राज्यसभा के पास पाई जाती है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राज्यसभा का रोल जो है वो काफ़ी दिखाई देता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पुट हो जाते हैं कि राज्यसभा जो है वो सिर्फ एक नाम की है, उसकी कोई पावर नहीं दिखाई देती. उसकी पावर एक्चुअली क्या है कि तब नहीं दिखाई देती जब गवर्नमेंट एक मेजोरिटी में होती है. अदरवाइज़ दोनों ही हाउसेज की बहुत ही अलग तरीके से जो पावर है वो दिखाई देती है. तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट मेजोरिटी में है या गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं है. तो स्टूडेंट आई होप आपको दोनों के फंक्शंस जो है वो समझ आ गए होंगे. नेक्स्ट, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा. जैसे कि हमने देखा, अगर हमने कंक्लूज़न निकाला दोनों ही पावर से, तो हमें दिखाई देता है कि राज्यसभा जो है वो थोड़ा वीक दिखाई देता है हाउस कंपैरेटिवली देखें लोकसभा से. लेकिन कुछ स्पेशल पावर हैं जो राज्यसभा के पास होती हैं, तो उन्हीं को हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी वो स्पेशल पावर हैं जिसकी वजह से कि राज्यसभा को भी काफ़ी अच्छा एक जो हाउस है वो माना जाता है. एज यू नो द राज्यसभा इज़ एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट. ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स को. इट्स पर्पस टू इज़ टू प्रोटेक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट. इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ये स्टेट्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है हर स्टेट्स को. देयरफॉर एनी मैटर दैट अफेक्ट्स द स्टेट मस्ट बी रेफर टू इट फॉर इट्स कंसेंट एंड अप्रूवल. तो स्टेट से रिलेटेड कोई भी मैटर होता है तो उसमें राज्यसभा की कंसेंट, उसकी सहमति और उसके अप्रूवल की ज़रूरत होती है. थस इफ़ द यूनियन पार्लियामेंट विशेज टू रिमूव अ मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट. अगर हमारी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होती है, सिर्फ यूनियन मैटर्स पे लिस्ट बनाने की या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में. तो अगर यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, सपोज़ करो अगर स्टेट जो लिस्ट होती है अगर वो किसी मैटर को रिमूव करना चाहती है उसमें से, तो टू इधर द यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, अगर सपोज़ करो देश के हित में नहीं है वो कोई मैटर और उसको वो रिमूव करना चाहती है, तो इसके लिए राज्यसभा की अप्रूवल का होना नेसेसरी है. मतलब राज्यसभा की अप्रूवल के बिना, राज्यसभा के कॉन्सेंट के बिना जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इस मैटर को रिमूव नहीं कर सकती. तो इट मीन्स हम स्पेशल पावर क्या है कि राज्यसभा स्टेट्स को प्रोटेक्ट करती है. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, राज्यसभा मीन्स राज्यों से बनी हुई सभा. तो जैसे अभी आपको मैंने बता दिया है कि जो मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होकर आते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट, द अप्रूवल ऑफ द राज्यसभा इज नेसेसरी. दिस प्रोविज़न एड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा. ये प्रोविज़न क्या शो करता है, राज्यसभा की पावर को शो
करता है. हाउएवर एक्सपीरियंसेस शोज दैट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिप्रेजेंट देयर पार्टीज मोर देन दे रिप्रेजेंट देयर स्टेट. स्टूडेंट रियल में क्या होता है, रियल में ये होता है कि ज़्यादातर जो मेंबर्स होते हैं, देखा गया है ये कि जो राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं वो भी किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर वो प्रेफरेंस उसी को देते हैं बजाय कि स्टेट के. पावर एक्साइज ओनली बाय द लोकसभा. रियल में पावर जो है वो कौन करती है, लोकसभा. उनका यूज़ कौन करती है पावर्स का, लोकसभा. देन देयर आर पावर्स दैट ओनली द लोकसभा एक्साइज. द राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट. राज्यसभा मतलब ज़्यादा इनिशिएट नहीं कर सकती. रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स. मेनली किस में, मनी बिल को. मनी बिल में ना तो कोई अमेंड कर सकती यानी उसमें चेंज ला सकती, ना कोई रिजेक्ट उसको कर सकती, सिर्फ अपने सजेशन दे सकती है और वो भी डिपेंड करता है कि लोकसभा उसको मान रही है कि नहीं मान रही है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा एंड नॉट राज्यसभा. क्योंकि जो मिनिस्टर, जो कैबिनेट के मिनिस्टर, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बजट को कहाँ पर डालेंगे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे लोकसभा में, तो वो राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. आंसर देने के लिए वो राज्यसभा में रिस्पॉन्सिबल नहीं है. राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज, राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकती है द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकती. तो सिर्फ एक सजेशन देने के लिए राज्यसभा देखी जाती है. नेक्स्ट देखिए, कैन यू एक्सप्लेन वाई, मतलब आप कैसे कह सकते हैं ऐसा क्यों होता है. द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय द MLAs एंड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल. क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं, MLAs. स्टूडेंट देखो, MLAs कौन होते हैं, MLAs वो होते हैं जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और लोकसभा में कौन होते हैं, MPs होते हैं. लोकसभा में कौन होते हैं स्टूडेंट्स, MPs. तो MPs जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं. तो एक तरह से हम देखें कि जो डायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं देश की जनता के द्वारा, पावरफुल कौन होंगे, ज़्यादा वही होंगे. इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म एज अडोप्टेड बाय ओवर कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल आर द फाइनल अथॉरिटी. क्योंकि एक डेमोक्रेसी में हम देखें तो फाइनल ताकत किसके पास होती है, फाइनल अथॉरिटी किसके पास होती है, लोगों के पास होती है. बाय दिस लॉजिक द रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल should have the crucial powers of removing government and controlling the finances. तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है, लोगों के पास है. उन्हीं के पास वो crucial powers हैं कि government को remove भी कर सकती है और finance को control भी कर सकती है. In all other spheres including passing of non-money bills, constitutional amendments and impeaching the president and removing the vice president, the powers of Lok Sabha and Rajya Sabha are co-equal. तो student ये जो topic हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करना है, कोई चेंज करना है, मतलब क्योंकि मनी बिल से रिलेटेड है नहीं है. इम्पीचिंग मतलब कि प्रेसिडेंट को अपने हटाना है, उसके इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जाता है. एक स्पेशल इसके ऊपर एक स्पेशल जो एक मतलब आयोग, महाअभियोग इसको कहते हैं हिंदी में, वो चलाया जाता है जिसके थ्रू प्रेसिडेंट और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको हटाया जाता है. तो इसमें रोल किनका होता है, हमारी पार्लियामेंट का होता है. लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के जो मेंबर्स होते हैं वो इसमें अपना रोल प्ले करते हैं. तो इन सारी चीज़ों में तो दोनों की पावर इक्वल होती है, को इक्वल है. बट मनी बिल में हम अगर हम देखें तो लोकसभा जो है वो राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाई देती है. और राज्यसभा कहाँ पावरफुल दिखाई देती है, जो स्टेट लिस्ट्स में जो भी मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी कानून बनता है उसमें हमें राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल दिखाई देती है. अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फिर राज्यसभा की क्या ज़रूरत है. राज्यसभा की ज़रूरत है क्योंकि वो राज्यों को रिप्रेजेंटेशन देती है. और दूसरा, राज्यसभा की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि सपोज करो, देखिए एक बिल हमारा लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, सपोज़ किसी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, तो रिकमेंडेशन के लिए वो राज्यसभा के पास भी जाता है. सपोज़ कीजिए उसमें कोई मिस्टेक्स है या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या जो देश के लिए ठीक नहीं लग रही है, तो एटलीस्ट राज्यसभा उसको सजेशन तो दे सकती है. अगर गवर्नमेंट उन सजेशन को नहीं मांग रही है, लेकिन अगर वही सजेशन मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाए गए तो लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, एगेशन स्टार्ट हो जाएगा. तो ये इस एगेशन से गवर्नमेंट के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होगा. तो हम देखते हैं कि राज्यसभा की इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाई देती है, ना होते हुए भी उसकी पावर हमें दिखाई देती है. क्योंकि डेमोक्रेसी में
जो भी इंस्टीट्यूशन है उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि राइट होता है आपको अपनी बात को कहने का। तो स्टूडेंट, आई होप ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आपको समझ आ गया होगा। तो हमने इस चैप्टर में से मेनली टॉपिक कर लिए हैं अभी तक, जितने आपको मैंने कंपोजिशन बता दिया था पार्लियामेंट का, यानी कि जो लेजिस्लेचर है उसका कंपोजिशन हमने स्टडी किया था, जिसमें कि हमने लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज को स्टडी किया था, प्रेसिडेंट इंक्लूड उनमें है। उसके बाद हमने दोनों ही हाउसेज के कंपोजिशन को स्टडी किया है। उसके बाद हमने पार्लियामेंट के फंक्शंस किए हैं, आई होप आपको वो भी समझ आ गए होंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या था, दोनों का कंपैरिजन करना और इनमें से राज्यसभा की क्या इम्पोर्टेंस जो है हमारे देश में दिखाई देती है। स्टूडेंट, टॉपिक को बुक में से भी रीड करना, आपके पास जो भी रिसोर्स बुक है या उसमें से भी स्टडी करना, और लोकसभा और राज्यसभा को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आई होप आप टॉपिक को क्लियर कर लोगे। थैंक यू सो मच।